बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है, 14 जुलाई सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, हमारा तीसरा चंद्र मिशन यात्रा पर निकलेगा, राष्ट्र की आशाओं और सपने को आगे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस ऐतिहासिक दिन को लेकर यह ट्वीट किया है। मिशन चंद्रयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ट्वीट, जो कह रहे हैं कि 14 जुलाई सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं मेरी सहयोगी रोमाना के पास। तो मेगा कवरेज लगातार जारी है और वक्त रह गया है महज 3 घंटे का, बाकी जब पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान के बाहुबली रॉकेट पर टिकी होंगी। और इस बीच भारत का मून मिशन, 1990 के दशक में हिंदुस्तान ने सपना देखा था चांद पर पहुंचने का, लॉन्च चंद्रयान 1 का पहला 22 अक्टूबर 2008 को हुआ, चंद्रयान 2 इसके बाद 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ और आज 14 जुलाई स्वर्णिम इतिहास लिखा जा रहा है, चंद्रयान 3 का लॉन्च है। देखिए, चांद पर पहुंचा चंद्रयान 1 तारीख 14 नवंबर 2008 थी, चंद्रयान 2 7 दिसंबर 2019। हालांकि पूर्ण रूप से यह सफल नहीं हो पाया था क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग का जो मकसद था वो ये हासिल नहीं कर पाया चंद्रयान 2। और चंद्रयान 3 23 अगस्त के आसपास माना जा रहा है चांद की सतह पर सॉफ्ट तरीके से कदम रखेगा। अब लॉन्च के लिए रॉकेट भी मैं जल्दी से आपको बता देती हूं। चंद्रयान 1 को पीएसएलवी C11 से भेजा गया था, चंद्रयान 2 जीएसएलवी MK3M1 के जरिए भेजा जा रहा है, चंद्रयान 3 जीएसएलवी MK3M4 के जरिए भेजा जा रहा है, LVM3 भी इसको कहते हैं। और वहीं लागत देख लीजिए आप, जहां चंद्रयान 1 386 करोड़, चंद्रयान 2 978 करोड़, मतलब इतना कम बजट, हॉलीवुड की बड़ी बड़ी जो पिक्चरें बनती हैं उससे भी कम बजट है ये। और चंद्रयान 3 तो चंद्रयान 2 के मुकाबले और किफायती, सिर्फ करीब 625 करोड़ में चंद्रयान 3 मिशन जो है उसमें लागत आई है। कुल वजन की अगर बात की जाए तो चंद्रयान 1 का वजन 13,080 किलो था, चंद्रयान 2 माफ कीजिएगा 1,380 किलो, और चंद्रयान 2 का वजन 3,850 किलो, चंद्रयान 3 का वजन जो है वो 3,900 किलो है। वहीं पेलोड की अगर बात की जाए तो चंद्रयान 1 11 पेलोड लेकर गया था, चंद्रयान 2 14, और अब चंद्रयान 3 जो है वो 7 पेलोड लेकर चांद पर सफर के लिए निकलेगा। हम सीधे रुक कर लेते हैं, खास मेहमानों का पैनल यहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, वैज्ञानिक है सबसे पहले अमिताभ जी का रुक करते हैं और जरा जानते हैं अमिताभ जी से इस बार कितने करीब लग रहे हैं हम अपना लक्ष्य हासिल करने के। अमिताभ सर, देखिए पिछली बार जो हमारे फेल्योर की जो मेन रीजन थी वो सॉफ्टवेयर ग्लिच थी, सॉफ्टवेयर में एरर हुई थी, इस बार उम्मीद है वो एरर नहीं होगी। बाकी इसका जो लैंडर है उसको इम्प्रूव किया गया है, इसमें एक लेजर सेंसर लगाया गया कि एग्जैक्ट डिस्टेंस मून से कितनी रहेगी उसको मेजर करेगा, मिलीमीटर से भी ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी होगी, लेजर डॉपलर सेंसर है। फिर इसके अलावा हमने एक थ्रस्टर को भी कम किया है और जो मैन्युअल थ्रस्टर 4 उन पर काम करेगा, टांगों को मजबूत किया है, तो उम्मीद है इस बार सक्सेसफुल लैंड करेगा। हाँ, लॉन्च की बात तो लॉन्च हम लगातार ऐसे लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च में मुझे कोई डर नहीं है, अगर मौसम ठीक रहा जैसा कि वहां से अभी खबर मिली है मौसम एकदम साफ है तो सक्सेसफुल लॉन्च होना चाहिए। सर, लॉन्च में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए, दुआ इस बार इसी बात को लेकर की जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।